गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। पहले आप चलें आगे, पहले आप मेहनत करें, तब ईश्वर आपके साथ होगा। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है फ्रेजल वर्ब्स ऑफ पुट, PUT, पुट। कितना छोटा सा शब्द है लेकिन इसके कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं, कितने अर्थ निकलते हैं, अनेकों अर्थ निकलते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पुट एक क्रिया है, वर्ब है, और इसकी तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। पुट 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 PUT पुट। पुट का अर्थ होता है रखना, किसी चीज को कहीं रखना। कीप और पुट में अंतर होता है। कीप कहते हैं अपने पास रखना ज्यादातर, और पुट कहते हैं किसी चीज को कहीं रखना। जैसे मैंने ये पेन मेज पे रखा तो आई पुट द पेन ऑन द टेबल, इस तरीके से आएगा रखना। आई कीप माई पेन ऑन द टेबल नहीं आएगा। पुट कीप तो ज्यादातर अपने पास रखने के लिए आता है। फ्रेजल वर्ब्स ऑफ पुट, सबसे पहले लेते हैं पुट बाय। पुट बाय का अर्थ होता है बचाकर रखना, बचाकर रखना। पुट बाय ए लिटिल मनी फॉर योर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाकर रखो। पुट बाय ए लिटिल मनी फॉर योर ओल्ड एज, जरूर बचाकर रखें बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे। पुट डाउन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डाउन, पुट डाउन, दबा देना किसी चीज को शक्ति से। द म्यूटिनी, विद्रोह, म्यूटिनी माने विद्रोह, वाज पुट डाउन बाय द आर्मी, फौज ने विद्रोह को शक्ति से दबा दिया, ये इसका अर्थ होगा। पुट का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, ही पुट द बुक एसाइड, उसने किताब एक तरफ रख दी, ये पुट है साधारण क्रिया। पुट माने रखना। इसके बाद देखें पुट इन, पेश करना। पुट इन माने पेश करना। प्लीज पुट इन योर एप्लीकेशन फॉर लीव, अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन पेश कर दो। प्लीज पुट इन योर एप्लीकेशन फॉर लीव, अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन पेश कर दो। पुट आउट, पुट आउट माने बुझाना, जैसे लैंप बुझाना है, कोई दिया बुझाना है, कोई भी चीज बुझानी है, फूंक मारकर पुट आउट, या कैसे भी बुझाने की अंग्रेजी है पुट आउट। प्लीज पुट आउट द लैंप, लैंप बुझा दो, लैंप बुझा दो। पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ है पहनना। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। पुट ऑन योर कोट, अपना कोट पहन लो। पुट ऑन माने पहनना। पुट ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट उतारना, पुट ऑफ माने उतारना, या टालना, टालना भी इसका अर्थ है और उतारना भी इसका अर्थ है। पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। डू नॉट पुट ऑफ द मैटर, बात को टालो मत, टालना भी इसका अर्थ है पुट ऑफ का, तो बात को टालो मत। डू नॉट पुट ऑफ द मैटर, बात को टालो मत। पुट टू स्लीप, किसी को सुलाना। मदर पुट द चाइल्ड टू स्लीप, माने बच्चे को सुलाया। आई पुट द चाइल्ड टू स्लीप, मैंने बच्चे को सुलाया। पुट टू स्लीप, सुलाना। पुट टू सॉर्ड, पुट टू सॉर्ड, सॉर्ड माने होती है तलवार, किसी को तलवार के घाट उतारना, मार डालना। शिवाजी पुट हिज एनिमी टू सॉर्ड, शिवाजी ने अपने दुश्मन को तलवार के घाट उतार दिया। पुट फर्स्ट, किसी को प्राथमिकता देना, किसी को सबसे अधिक महत्व देना, यह है इसका अर्थ पुट
फर्स्ट, सबसे पहले रखना, फर्स्ट माने पहले, पुट फर्स्ट, अधिक महत्व देना, सबसे अधिक महत्व देना। आई पुट गांधी जी फर्स्ट एमंग द लीडर्स, लीडर्स में मैं सबसे पहले गांधी जी को महत्व देता हूँ, सबसे अधिक महत्व मैं गांधी जी को देता हूँ। पुट ए फुट रॉन्ग, गलत कदम उठाना, पुट माने रखना, फुट माने पैर, रॉन्ग माने गलत, गलत कदम उठाना, नेवर पुट ए फुट रॉन्ग, कभी गलत कदम मत उठाओ। पुट ए स्पोक इन व्हील, पुट ए स्पोक इन व्हील, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, चलते कार्य में बाधा डालना, जैसे डू नॉट ट्राई टू पुट ए स्पोक इन व्हील, कभी भी किसी भी बात में बाधा मत बनो, टांग मत अड़ाओ। डू नॉट ट्राई, कभी कोशिश मत करो टू पुट ए स्पोक इन व्हील, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, ये कभी मत करो। पुट बैक, पुट बैक, जैसे मैं इस पेन को पीछे रख दूं, अर्थात पुट बैक पीछे रखना या छिपाना, पुट बैक पीछे रखना। डू नॉट पुट बैक योर बुक्स, किताबें पीछे मत रखो, किताबें पीछे मत रखो, किसी चीज के भी साथ इसको यूज किया जा सकता है पीछे रखने के लिए। पुट फॉरवर्ड, आगे करना या आगे रखना, तो कैसे इसका यूज करेंगे, आई हैव पुट एप्लीकेशन फॉरवर्ड, मैंने एप्लीकेशन को आगे रख दिया है, आई हैव पुट एप्लीकेशन फॉरवर्ड, मैंने एप्लीकेशन को, प्रार्थना पत्र को आगे रख दिया है। पुट इन माइंड ऑफ, किसी को कुछ चीज याद दिलाना, याद दिलाने की अंग्रेजी है पुट इन माइंड ऑफ समबडी, यानी किसी के दिमाग में याद दिलाना किसी को। आई हैव पुट इन द माइंड ऑफ बॉस, मैंने अपनी बात को याद दिला दिया है बॉस को, बॉस को याद दिला दिया है अपनी बात, वो करे ना करे उसका काम है, मैंने याद दिला दिया है। पुट इन द ट्रेन, पुट इन द ट्रेन का अर्थ है शुरुआत करना, पुट इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में रखना, अर्थात शुरुआत करना। आई हैव पुट माई बिजनेस इन द ट्रेन, मैंने अपना व्यापार की शुरुआत कर दी है, मैंने अपने व्यापार की शुरुआत कर दी है। पुट इन टू हेड, दिमाग में ठूंसना किसी के, जैसे बच्चे के दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही है, तो दिमाग में ठूंसने की अंग्रेजी है पुट इन टू हेड। इसको देखें सेंटेंस, आई वॉन्ट टू पुट रूल्स इन टू योर हेड, मैं तुम्हारे दिमाग में इसके नियम ठूंसना चाहता हूं। इसके बाद है पुट अबव, पुट अबव का अर्थ है सबसे ज्यादा महत्व देना। आई पुट माई पेरेंट्स अबव, मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। आई पुट माई पेरेंट्स अबव। अगला देखें, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारा कुछ, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, अपना सब कुछ दांव पे लगा देना। आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। पुट बिफोर, प्राथमिकता देना। आई पुट माई पेरेंट्स बिफोर, आई पुट माई मदर बिफोर, अर्थात मैं सबसे पहले अपनी माता को या माता पिता को प्राथमिकता देता हूँ। पुट हैंड इन पॉकेट, जेब में हाथ डालना, जेब में हाथ डालना। आई पुट हैंड इन माई पॉकेट, इट वॉज एम्प्टी, अर्थात जेब खाली थी। मैंने, वेन आई पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, माई पॉकेट वॉज एम्प्टी, मेरी जेब खाली थी, जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरी जेब खाली थी, पॉकेट माने जेब। पुट इन मोशन, चलाना किसी चीज को, चलाना। आई पुट मशीन इन मोशन, मैंने मशीन को चला दिया। आई पुट मशीन इन मोशन, मैंने मशीन को चला दिया। पुट माइंड एट ईज, आई ट्राइड
माई लेवल बेस्ट, मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने बहुत कोशिश की, आई पुट इन मोशन, पुट इन मोशन के बाद आई पुट माई माइंड एट ईज, आई पुट माई माइंड एट ईज, चिंताओं से मुक्त करना, आई पुट हिज माइंड एट ईज, मैंने उसको चिंताओं से मुक्त कर दिया। पुट मनी ऑन, किसी चीज को दांव पर लगा देना, आई हैव पुट मनी ऑन समथिंग, मैंने अपना दांव पर लगा दिया है पैसा, आई हैव पुट मनी ऑन समथिंग, किसी बात पर मैंने पैसा दांव पर लगा दिया है। पुट आउट फियर्स, दूसरों की राय लेना, दूसरों की सलाह लेना, ये तो सबसे बड़ी चीज है, अच्छी तरह लोगों की राय जानना। I put out my feelers in everything, हर बात में मैं दूसरों की राय जानना जरूर चाहता हूँ। I put out my feelers for everything, हर चीज में। Put out of sight, किसी चीज को छिपाना। I do not put out of sight anything, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। I do not put out of sight anything, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। Put pen to paper to write an application, put pen to paper का अर्थ है लिखना। I put pen to paper लिखना। I put my pen to paper for an application, मैंने application लिखी। I put pen to paper for application, मैंने application लिखी। Put pressure on, I do not like to put any pressure on you, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू पुट एनी प्रेशर ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। पुट राइट, ठीक करना। आई शैल पुट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आई शैल पुट यू राइट, पुट राइट माने ठीक करना। अब देखें, पुट समवन टू फ्लाइट, किसी को भगाना, मजबूर कर देना भागने के लिए। My friend is bored, so I put him to flight, इसलिए मैंने भागने पर मजबूर कर दिया, मेरा दोस्त बहुत बोर है, तो मैंने क्या कहा करा, उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। My friend is bored, I put him to flight, मैंने उसे भगा दिया। कैसे लगे पुट पर ये इतने सारे phrasal verbs, ये फ्रेजर वर्ब्स 30 हैं, 30 फ्रेजर वर्ब्स कैसे लगे, फिर मैं बता दूं, पुट का अर्थ होता है रखना, और इसकी तीनों फार्म, एक वर्ब है और इसकी तीनों फार्म एक सी होती है, बहुत फायदा होता है, याद करने की जरूरत नहीं होती। पुट पुट पुट, कैसे लगे मेरे ये फ्रेजर वर्ब्स, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।